चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एंगल्स ऑफ डिप एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेसेस विल बी, कितना होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा होता है। तो दोनों केसेस में, जिसमें 30 डिग्री है और जिसमें 45 डिग्री है, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, बी एच वन कर देते हैं। तो बी साइन सॉरी कॉस, बी कॉस 30 डिग्री और यहाँ क्या होगा, बी एच टू इज इक्वल टू बी कॉस 45। तो बी एच वन बाई बी एच टू इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू, वन डिवाइडेड बाई टू करते हैं। तो ये क्या होगा, बी कॉस 30 डिग्री अपॉन बी कॉस 45। तो कॉस 30 अपॉन कॉस 45 इज इक्वल टू क्या होगा, रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई रूट टू। ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू रूट टू, नहीं रूट टू ऊपर चला जाएगा ना, सॉरी ये रूट टू ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, रूट थ्री बाई रूट टू हो जाएगा। सो बी एच वन बाई बी एच टू की वैल्यू रूट थ्री बाई रूट टू, कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।